राज्यर नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि मानकु गुरुमंत्र देइछन्ति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। किड कन्भेन्शन हल आयोजित कर्मशाला जोगदे नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि मानकु प्रथमे शुभेच्छा जणाइबा सहित मुख्यमंत्री कहिसन्ति कि एथर महिला माने बहु संख्यार जीति पंचायत मंग धरिसन्ति। यह द्वारा बिजू बाबू महिला सशक्तिकरण स्वप्न साकार होइछि बोली निजर मत रखिसन्ति नवीन। पंचायत हेउछि सेवार केन्द्र। राज्य सरकार शासन व्यवस्था और विकास योजना रे पंचायत को सर्वदा गुरुत्व देइ आछन्ति। पंचायतवासी जेपरि कोनोसी सेवा पाइबारु वंचित न हुअन्ति, सेवा पाइबारे हैरान न हुअन्ति, सेथि प्रति ध्यान देबाकु परामर्श देइछन्ति नवीन। गरीब लोक, महिला तथा दुर्बल श्रेणीर लोक और सेमानंक अधिकार को सुरक्षा देवा सहित लोकमानंको सुख दुखरे सामिल हेबाकु परामर्श देइछन्ति मुख्यमंत्री। सेहिपरि 5टी उपरे आलोकपात करी 5टी मंत्र को गाँवर विकास रे उपयोग कले आपणको गाँ किंबा आपणको पंचायत रो परिवर्तन हेबा सह अन्य मानंको पाई आपणको गाँ आदर्श होई परिबो बोली कहिसन्ति मुख्यमंत्री। ओडिसार जनसाधारण आम उपरे आस्था और भरोसा रखिसन्ति, तेबे लोकंकु केबे निराश हेबाकु देबा नाही। लोकंक आस्था और भरोसा को पवित्र दायित्व भावी सेवा कले लोकंक हृदय रे आपण माने सबुदिन ही रहिजिबे बोली कहिसन्ति नवीन। एही कर्मशाला रे पंचायती राज और पानीय जल मंत्री प्रताप जेना, खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई, कृषि मंत्री अरुण साहू, मिशन शक्ति मंत्री टुकुनि साहू प्रमुख योगदान करी मुख्यमंत्री आदर्श को नहीं काम करिबा पई परामर्श देइछन्ति। एही राज्य स्तरीय कर्मशाला रे अन्य मानंक मध्यरे मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र, 5टी सचिव भिके पांडियान, पंचायत राज शासन सचिव अशोक कुमार मीना प्रमुख योगदान करथिले। यह छड़ा कर्मशाला रे राज्यर समस्त जिला परिषद सभापति, उपसभापति, समस्त पंचायत समिति अध्यक्ष और प्रत्येक ब्लॉक रु जणे लेखाए सरपंच योगदान करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज अड्डा ओडिशा।